वेलकम दोस्तों। दोस्तों बिहार पुलिस में ड्राइवर के पद पे कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 700 और 900, दोस्तों 1600 के आसपास वैकेंसीज आपकी आई हुई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं कि सैलरी कितनी है। देखिए 5200 से लेकर 20000 के बीच में आपकी, दोस्तों ये छठा वेतन के अनुसार है। ठीक है ना, छठा वेतन के अनुसार। जब सातवां वेतन लगेगा दोस्तों आपकी सैलरी और भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे रिक्तियों की संख्या 700 है और समान वेतन मान में बिहार अग्निशाम, ठीक है दोस्तों, सेवा में चालक की जो वैकेंसी हुई आपकी 969 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके दोस्तों जो फॉर्म फिल होंगे वो 21 तारीख यानी कि आज से ही आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसके बाद बात करें फ्रेंड्स, देखिए आपकी जो लिखित परीक्षा होगी ना उसमें आपको 30% अंक कम से कम लेके आने हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके 30% से कम अंक आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, आपको शारीरिक दक्षता के लिए आपको बुलाया नहीं जाएगा। ठीक है, और नीचे दोस्तों अगर बात करें, सबसे पहले मैं दोस्तों आपसे कहना चाहता हूँ, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए इसमें आपको न्यूनतम दोस्तों जो योग्यता है वो आपको इंटर पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इंटर पास और प्लस आपको लाइसेंस होना चाहिए, 1 वर्ष पूर्व का हल्का मोटर वाहन, ठीक है फ्रेंड्स, और भारी मोटर वाहन HMV चलाने का सक्षम प्राधिकरण द्वारा मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए। ठीक है, शारीरिक दक्षता की अगर हम बात करें दोस्तों, मापदंड की बात करें तो आपकी जनरल के लिए और OBC के लिए आपको 165 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए आपको, और SC ST के लिए 162 की। ठीक है फ्रेंड्स, और महिलाओं की अगर बात करें सभी वर्गों के लिए 153 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। सीना आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। एज की बात करें दोस्तों तो 18 से 25 वर्ष आपकी एज मांगी गई है जनरल वालों के लिए, OBC वालों के लिए 18 से 27 वर्ष और SC ST वालों के लिए 18 से 28 वर्ष के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं SC ST के लिए 18 से 30 वर्ष के लिए। ठीक है, नियुक्ति की प्रक्रिया अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर आपका एक एग्जाम होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, उसको आपको पास करना पड़ेगा जिसमें कि कम से कम 30% मार्क्स आपको लाने हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ जानकारियाँ थी, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, सभी कुछ मैं यहाँ पर दिया गया है, फिर भी मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ जानकारी थी, आप लोग इस फॉर्म को अवश्य सबमिट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो बिहार में रहते हुए हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होना चाहिए दोस्त। देखिए ये 21 तारीख से आपके फॉर्म सबमिट किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और फीस की बात करें अगर आप जनरल कैटेगरी तो आपको 450 रुपये देने पड़ेंगे, और आप अगर SC ST में आते हो तो आपको 112 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ जानकारी थी, आप यहाँ से देख सकते हो, और दोस्तों पूरा ऑफिशियल पढ़ने के बाद ही आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।